देखिए, इस क्वेश्चन में हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है। ठीक है, ये टेबल जो है क्लास 9th के जो है चैप्टर 4 से ली गई है साइंस में। ठीक है, चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, तो उसमें ये टेबल दी हुई है जिसको हमें कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर दिए हुए हैं, मास नंबर दिए हुए हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दिए हुए हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन दिए हुए हैं, कुछ नहीं दिए हैं, कुछ दिए हैं, है ना। इस तरह से कॉलम को खाली छोड़ा गया, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और उसका नाम पूछा है। तो इस तरह से हमें इस टेबल को यहाँ पर कंप्लीट करना है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, पहले कुछ फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं, जैसे एक एग्जांपल देते हैं 6C12। तो कार्बन का ये 6 जो है वो एटॉमिक नंबर है और 12 क्या है, वो एटॉमिक मास है। ठीक है, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी एटम को। और एटॉमिक नंबर जितने होते हैं उसी उतने ही उसमें होते हैं प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन भी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अगर न्यूट्रल एटम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, एटॉमिक नंबर के बराबर हो जाएंगे या प्रोटॉन के बराबर हो जाएंगे न्यूट्रल के केस में। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 4। तो जब कोई चार्ज नहीं होगा उस पे तो न्यूट्रल एटम के केस में। आगे देखें फिर एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को हम कहते हैं एटॉमिक मास या मास नंबर। ठीक है, इसी को मास नंबर भी कहते हैं। और फिर इनका नाम बताना है। तो देखो यहाँ पर 9 एटॉमिक नंबर है तो 9 इसमें प्रोटॉन हो जाएंगे। अब 9 न्यूट्रॉन हुए तो मास नंबर 10 और 9 जुड़ जाएंगे, 19 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर मान लोगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा फ्लोरिन। ठीक है, ये हो गया फ्लोरिन। अब 16 एटॉमिक नंबर दिया, एटॉमिक नंबर जितना होगा उतने ही क्या होने चाहिए, प्रोटॉन होने चाहिए, तो ये 16 हो गए, उतने ही इलेक्ट्रॉन मानेंगे। ठीक है, न्यूट्रल है क्योंकि चार्ज नहीं है। अब 16 हो गए और 16 प्रोटॉन और मास नंबर 32, तो न्यूट्रॉन निकालने, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करो, मास नंबर में से माइनस कर दो किसको, प्रोटॉन को। तो 32 में से 16 माइनस करें तो कितना आ गया, 16 ही आ गया। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ मास नंबर दिया है और यहाँ दिए प्रोटॉन, तो फिर से मास नंबर में से प्रोटॉन माइनस कर दो तो न्यूट्रॉन आ जाएंगे। और जितना मास नंबर प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन हो गए, और जितने प्रोटॉन है उतना ही एटॉमिक नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ लिख दिया है सब, जितने प्रोटॉन है उतना ही एटॉमिक नंबर हो गया। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम। फिर यहाँ देखो मास नंबर दिया है 2, प्रोटॉन 1, तो 2 में से 1 घटा दिया, न्यूट्रॉन आ गए 1, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन 1, जितने प्रोटॉन उतना ही एटॉमिक नंबर, तो ये भी 1। नाम क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा क्योंकि इसका मास 2 है और वो एटॉमिक नंबर 1 है, तो ये है ड्यूटेरियम। ठीक है, हाइड्रोजन का आइसोटोप जो होता है, ये है ड्यूटेरियम 1H2, ये हाइड्रोजन का आइसोटोप्स है। इसके बाद मास नंबर 1 दिया हुआ है, न्यूट्रॉन 0, प्रोटॉन 1, इलेक्ट्रॉन 0। अब इलेक्ट्रॉन चले गए तो मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था यहाँ पर, क्योंकि एक प्रोटॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, पर एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। अब छोड़ दिया तो इस पर चार्ज आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा तो आयन बन जाएगा। ठीक है, ये आयन बन जाएगा, प्रोटॉन 1 है तो एटॉमिक नंबर भी 1 होगा, ये बात ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा, जिसका एक एटॉमिक नंबर है और एक ही मास है, तो 1H1 है वैसे, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना छोड़ दिया है, तो ये 1H1 नहीं रहा। इलेक्ट्रॉन त्यागने पर इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, अगर इलेक्ट्रॉन लिया होता तो नेगेटिव चार्ज आता। तो हाइड्रोजन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है बाहर, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है पहली कक्षा में के में, और वो अगर उसको छोड़ देगा तो ये क्या बन जाएगा, ये हाइड्रोजन आयन बन जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन। ठीक है, ये हो गया हाइड्रोजन आयन, क्लियर है। तो इस तरह से इस टेबल को आप फिल कर सकते हैं, समझ में आ गया। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।